प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 35 किस्म की फसलें राष्ट्र को की समर्पित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी किया लोकार्पण। राहुल गांधी की युवा टीम हो रही तैयार। कांग्रेस में आज शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों नेताओं को दिलाई जाएगी कांग्रेस की सदस्यता। सवालों में घिरी पंजाब की नई चन्नी सरकार। डीजीपी के बाद अब नए एजी की नियुक्ति पर विवाद। विपक्ष ने घेरा, कहा अब सिख बेअदबी मामले में इंसाफ की उम्मीद छोड़ दे। डीआरडीओ ने उड़ीसा में आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में रखी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। 3,612 करोड़ रुपए की लागत की है ये प्रोजेक्ट। दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सोची समझी साजिश थी दिल्ली हिंसा। पहले से प्लान की गई सुनियोजित साजिश। सीसीटीवी तोड़ना भी था प्लानिंग का हिस्सा। देश में 6 महीनों में पहली बार कोरोना के 20,000 से कम मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में 18,795 नए मामले, जिनमें 11,699 केस केरल से। 58 मरीजों की हुई मौत। मेरठ में डेंगू खतरनाक ढंग से पसार रहा पांव। एक दिन में सबसे अधिक डेंगू के 28 नए मामले आए सामने। सीएचसी में 120 बेड रिजर्व। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 374। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम को आया हार्ट अटैक। अस्पताल में कराया गया भर्ती। एंजियोप्लास्टी के बाद हालत है स्थिर। पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर और मुख्य कोच रह चुके हैं इंजमाम। अगली खबर झांसी से है, जहां अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने राजकीय संग्रहालय में कार्यकारिणी विस्तार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि वो समाज को एकजुटता में लाने के लिए कायस्थ समाज के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि क्षेत्र का हर समाज मानव हित में कार्य करने के लिए आगे आएगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों के लिए और कुलियों के लिए आवास हेतु भूमि देने का भी वादा किया। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।